guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing perfectly alright and safe at your homes. And welcome back to yet another pearly video. Now, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये beautiful nail art अपने nails पर कैसे किया है. ये basically cow print होती है and ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, classy लगती है. And मुझे personally nail art को try करना, अलग अलग nails को try करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. So, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पर ही nail art create करूँ and आप लोगों के साथ उन्हें share भी करूँ. कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही अपने नेल्स को डिज़ाइन करूँ. सो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये पर्टिकुलर डिज़ाइन कैसे क्रिएट करी है. बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ये क्लासी लुक देती है. आप देख सकते हो कितनी प्रिटी है. सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसे कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसके लिए लगेंगी. कुछ बहुत एक्सट्रीम चीज़ें आपको नहीं लगेंगी, सिर्फ घर की ही चीज़ें यूज़ करके आप इजीली इन्हें क्रिएट कर सकते हो. सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज़, यहाँ पर जो नेल्स है वो मैंने स्टिक कर लिए हैं. मेरे ओरिजिनल जो नेल्स हैं वो इतने बढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं एक्सटेंशन प्रेफर करती हूँ. इन्हें मैं लगा लेती हूँ जब भी काम होता है, जैसे ही काम होता है तो मैं इन्हें वापस से रिमूव कर देती हूँ. काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं ये, और क्वालिटी भी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. ग्लू की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. तो अगर आपको नेल्स एंड ग्लू लेने हैं ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हो. एंड जो नेल पेंट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये वाइट एंड ब्लैक. नाउ मैं जो लुक क्रिएट करूँगी उसका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो. तो ये काउ प्रिंट इसे बोलते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी नेल पेंट का पैटर्न होता है, या मैं कहूँ नेल आर्ट होता है. बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल. सो इसे ही हम क्रिएट करेंगे. सो इन दो चीज़ों की ही आपको ज़रूरत लगेगी. नाउ अब आपको इसीलिए इन दोनों की हेल्प से ही ये लुक क्रिएट करके बताऊंगी, आपको कुछ भी और चीज़ इसके लिए नहीं चाहिए. तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि आपको बेस कोट अप्लाई कर लेना है. मैं इस व्हाइट कलर को अपने नेल्स पे अप्लाई करूंगी. सो आपको अच्छे से ध्यान से अप्लाई कर लेना है. दो तीन कोटिंग आप कलर की कर लें. नाउ अभी मैंने फर्स्ट कोट ही किया है एंड इसे मैं ड्राई होने दूंगी. एंड तब तक मैं अपने दूसरे नेल्स पर सेकेंड फर्स्ट कोट अप्लाई कर लूंगी. एंड देन हम इसका सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे थोड़ी देर बाद, जब फर्स्ट ड्राई हो जाएगा. एंड अगर बाय चांस आपके हाथ गंदे भी होते हैं ना, तो नीड नॉट टू वरी, आप थिनर की हेल्प से बाद में इन्हें क्लीन कर सकते हो. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से बेस कलर को अप्लाई करें दो तीन कोट के साथ. नेल पेंट जो है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है एंड अब हम इस पर करेंगे नेल आर्ट. नाउ आपको पैचेस बनाने हैं, जैसे काऊ के ऊपर पैचेस होते हैं ना ब्लैक कलर के. सो पैचेस आपको कैसे बनाने हैं, आप उसके बाद आपको ऐसा करना है कि आप जैसे किसी चीज़ पर डॉट लगा रहे हो एंड डॉट लगाते लगाते वो चीज़ ना आपसे हिल गई है, मतलब ऐसे डॉट लगाओ एंड फिर उसको हिला दो. ऐसे डॉट लगाई, हिला दी थोड़ी सी, ऐसे डॉट लगाई, हिल गई, डॉट लगाई, ओ सॉरी, डॉट लगाई, हिल गई. ठीक है, वापस से नेल पेंट में डिप कर लो. या मैं यहाँ पे भी सेम करेंगे, सॉरी, डॉट लगाएंगे, हिल गई, डॉट लगाई, हिल गई, डॉट लगाई, हिल गई, ऐसे डॉट लगाई, हिल गई, इस तरीके से. नाउ अगर आप चाहते हो कि थोड़ा ज़्यादा खाली नहीं रहे, तो आप अगेन इसमें डिप करके इसे वापस से अप्लाई कर दो. नाउ एक चीज़ का बहुत मेजरली ध्यान रखना है कि ये जो नेल पेंट हम कर रहे हैं ना, ये हम नॉर्मल नेल पॉलिश से कर रहे हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से ड्राई होने देना है. रात भर के लिए इन्हें रख देना कि रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाए. अगर आप जल्दी करोगे ना, क्योंकि ये पैचेज हैं, ये नेल पेंट के पैचेज हैं, जेल नेल पॉलिश नहीं है, ये नेल पॉलिश है, तो इससे क्या होगा कि ये बिगड़ जाएगी. तो आपको रात भर के लिए इन्हें ड्राई होने के लिए रख देना है, बिकॉज नेल पेंट जो होती है ना वो बहुत थिक होती है. क्या करना है हमें, डॉट लगाना है, हिला देना है, डॉट लगाना है, ब्रश को हिला देना है, डॉट लगाना है, ब्रश को हिला देना है. ये ऐसे आपको सब सब जगह करना है. ज़्यादा भी ना भरें उसे, वरना वो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा. बस एक थोड़ा सा आपको भर देना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, अदरवाइज वो बहुत गंदा लुक आएगा. नाउ नेक्स्ट फिंगर में भी हम सेम ही चीज़ करेंगे एंड आप अलग अलग जगह से स्टार्ट करें इस तरीके से. तो आपको ये करती हुए ना एक चीज़ का ध्यान रखना है,
कि आप इसे अच्छे से ड्राई होने दें। एंड आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप दो में ये प्रिंट कर सकते हैं, एक को खाली छोड़ सकते हैं जैसा मैंने मैंने किया है, या फिर आप चारों को ब्लैक कर सकते हैं और एक को स्काउ प्रिंट में कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करें, इट्स ऑल अबाउट यू, आपको जैसे इस नेल आर्ट को करना है वैसे करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इसे कर सकते हो। आप चाहे तो ये सारी फिंगर्स पे काउ प्रिंट कर लें, इस पर आप ब्लैक कर दें वो भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी होम मेड काउ प्रिंट एकदम बनके रेडी है ना। इसके ऊपर आप टॉप कोट अप्लाई कर लें इसे ड्राई होने के बाद। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइज, प्लीज इस नेल पेंट को ड्राई होने देना, अदरवाइज आपकी कोई भी मेहनत का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, बिकॉज ये जो नेल पॉलिश होती है ये बहुत थिक होती है। इसे रात भर का टाइम देना कि अच्छे से ड्राई हो जाए, एंड देन इसे आप अगले दिन अप्लाई करना नेल्स को, बिकॉज इनको ड्राई होने देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड अगर ये अच्छे से ड्राई नहीं होंगी ना तो सब कुछ बिल्कुल खराब हो जाएगा, एंड इसके ऊपर देन आप टॉप कोट यूज करें। हाय गाइज, सो वेलकम बैक। आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा नेल वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको पसंद है कि मैं इस तरीके के जो नेल आर्ट्स हैं आप लोगों के लिए नई नई डिजाइंस लेके आऊं, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।